गुड मॉर्निंग। सुबह की शुरुआत बहुत ही ज्यादा अच्छी हुई है बारिश से। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। सो यस, अभी इस वक्त हो रही है बारिश। अभी मैंने अपना एग्ज़ाम सबमिट करवाया ही था तो साथ में ही बारिश शुरू हो गई। बहुत ही ज़्यादा ठंडा मौसम बना हुआ है। कुछ दिनों से ना बहुत ही ज़्यादा गर्मी हुई थी तो इसलिए आपको मैं अभी मौसम दिखाता हूँ। तो अगर आपने इस व्लॉग को लाइक नहीं किया तो इस व्लॉग को लाइक कीजिए और मेरे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं, सो लेट्स गो। हल्की हल्की हो रही है बारिश, बट बहुत ही ज़्यादा स्लो हो चुकी है। बारिश हो रही हो ना, मन करता है कि हॉट कॉफ़ी हो तो मज़ा ही आ जाता है। कभी बारिश तेज़ हो रही है, कभी धीरे हो रही है, तो व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना। मौसम इतना अच्छा बन चुका है ना, मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मैंने ना अपने कैमरा के ऊपर ट्रांसपेरेंट कवर चढ़ाया है जिससे मतलब कैमरा भी खराब ना हो। और आप पेड़ पौधे देख सकते हैं, कितने तेज तेज हिल रहे हैं पेड़ पौधे, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सो मौसम बन सकता है तो मैंने एक बारी भी नहीं सोचा। आपको दिखाता हूँ पानी कितना आ चुका है बारिश का। ये देखो गाइस, उधर तक भी पानी चला गया है। सो गाइस, मुझे ना बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, घर जाकर हॉट कॉफ़ी पीऊँगा मैं। मम्मा, आपको उम्मीद थी कि बारिश आ जाएगी? बिल्कुल मिली थी। पानी का तालाब बना हुआ है, मेरे पैर डूब जाएंगे। ये कितने अच्छे अच्छे केक्स हैं एंड पेस्ट्रीज भी हैं। तो मैं घर जा रहा हूँ तो फिर घर जाकर आपसे फिर मिलता हूँ। जैसे पानी भरा हुआ था रोड के ऊपर तो फिर आपको इधर से चलकर जब जाना है तो आपने अपने फुट को एकदम रिलैक्सेशन दिलानी है ताकि उनमें कोई भी स्किन एलर्जी ना हो। तो गाइस, मेरा ना हाथ दर्द होने लगा है बहुत ज़्यादा, तो मैं घर आ चुका हूँ। मैं रोल लेकर आया था तो मैं रोल खाने लगा हूँ। मैं आपको रोल खाकर फिर मिलता हूँ। मैंने ना मतलब रोल खा लिया हुआ है तो मतलब मन नहीं किया इतना ज़्यादा रोल खाने को, आपको दिखाता हूँ। आप सबको ऐसा लग रहा होगा कि मैंने अकेली क्रीम खा ली है और रोल नहीं खाया, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने हाफ से भी ज़्यादा रोल खा लिया हुआ है, कैमरा में इतना पता नहीं लग रहा। अभी मैं अपने फूड्स को वॉश कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ख़राब पानी था बारिश का, तो फिर इसलिए आप जब भी आए बारिश के पानी से गुजर कर अपने फूड्स को ज़रूर वॉश कीजिए। अभी मैं जा रहा हूँ कंपनी गार्डन वाली साइड और मैंने मौसम चेक कराने के लिए आपको दिखाना था कि व्यू कैसा है। ये देख सकते हो गाइस, कितना अच्छा व्यू आ रहा है बादलों का। आई होप यू लाइक इट। अब मैं घर जा रहा हूँ तो आपको घर जाकर मिलता हूँ। घर आते ही मम्मा ने अपने काम लगा दिया, उन्होंने अपनी एंकलेट्स क्लीन करवानी थी तो फिर एंकलेट्स वाली शॉप बहुत ही ज़्यादा हद तक बंद थी तो फिर इसलिए मम्मा ने कहा कि तुम ही साफ़ कर दो। तो आते ही मतलब मुझे एंकलेट्स साफ़ करनी पड़ी। तो आप देख सकते हैं कि एंकलेट्स का कलर कितना ज़्यादा मतलब ब्लैक है, तो फिर इसे वाइट करने के लिए यहाँ पर मैंने टूथपेस्ट पाउडर लिया है। तो फिर टूथपेस्ट पाउडर के अंदर आपको एंकलेट डालनी है और उस तरीके से आपको क्लीन करना है। तो ध्यान रखिए कि टूथपेस्ट पाउडर के अंदर आपको वाटर ज़रूर डालना है, तो उससे आपके एंकलेट बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लीन हो जाएगी। और आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना तो फिर एंकलेट्स का बिफोर एंड आफ्टर का सीन आपको दिखाऊँगा कि क्या है।
इतना कुछ था नहीं वैसे आज के व्लॉग में। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो फिर इस व्लॉग को भूले बिना लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। आई विल मीट विद इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।